कुछ ऐसे चेहरे जिन्होंने उन्हें मूवी से निकलवा दिया था, सुशांत को आगे बढ़ने से रोका था। आज वो चेहरे भी बोल रहे हैं कि सुशांत वी मिस यू। क्या आपको पता है कौन थे वो लोग जिन्होंने छीनी थी सुशांत सिंह राजपूत की फिल्में? दोस्तों सुशांत की मौत को एक साल हो गया है। सुशांत की जब मौत हुई तो कुछ गिने चुने चेहरे थे जो सुशांत के फेवर में बोल रहे थे, जिनका कहना था कि हाँ बॉलीवुड ने, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने सुशांत के साथ जस्टिस नहीं किया। लेकिन जैसे ही एक साल पूरा हुआ है लोग आगे से बोल रहे हैं कि वो सुशांत को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कुछ ऐसे चेहरे जिन्होंने उन्हें मूवी से निकलवा दिया था, सुशांत को आगे बढ़ने से रोका था। आज वो चेहरे भी बोल रहे हैं कि सुशांत वी मिस यू। क्या आपको पता है कौन थे वो लोग जिन्होंने छीनी थी सुशांत सिंह राजपूत की फिल्में? दोस्तों सबको पता है कि जो जनता है वो बहुत ज़्यादा समझदार है। जो नेपोटिज्म के सितारे हैं उनको पता चल गया जनता की ताकत क्या है। उनके ट्रेलर्स पर डिसलाइक और कमेंट देखते हुए अब हर कोई सुशांत के फेवर में बोल रहा है। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल सच सच बताने वाला हूं कि ये कौन सी 6 फिल्में थी जो छीनी गई थी सुशांत के हाथों से। और उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये बॉलीवुड इंडस्ट्री अब कैसी लगती है, या आप भी मेरी तरह साउथ के दीवाने हैं? जैसा भी है प्लीज कमेंट में बताएं, साउथ की इंडस्ट्री या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री, आप किसके चाहते हैं? अब बात करते हैं फिल्मों की। सबसे पहली फिल्म फितूर। देखिए आपने फितूर मूवी देखी होगी। इस फिल्म में आपने कैटरीना कैफ को देखा होगा, आदित्य को देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है इस फिल्म को पहले कौन कर रहा था? ये फिल्म थी सुशांत सिंह राजपूत की। लेकिन बाद में इस फिल्म से सुशांत को निकाला गया और कहा गया कि आपके लिए हम दूसरी फिल्म बना रहे हैं, आप इसे रहने दीजिए। ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के हाथों से छीनी गई और उन्हें बोला गया कि आप पानी में काम कीजिए। सुशांत सिंह राजपूत ने पानी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और बाद में पानी को भी बंद कर दिया गया। अब एक साथ 2 फिल्में इनके हाथों से चली गई और उस वक्त कोई और प्रोजेक्ट भी सुशांत नहीं कर रहे थे। दोस्तों दूसरी फिल्म है गोलियों की रासलीला रामलीला। देखिए बहुत अच्छा काम किया है रणवीर सिंह ने, बहुत अच्छा काम किया है दीपिका पादुकोण ने। लेकिन ये फिल्म पहले थी सुशांत सिंह राजपूत की। उनको बताया गया था कि वो एक फिल्म बना रहे हैं गोलियों की रासलीला रामलीला, और उनके लिए सुशांत को बिल्कुल परफेक्ट माना गया है। लेकिन जब सुशांत गए उनसे बात की तो बताया कि आप परफेक्ट थे लेकिन वो किसी और सितारे को फिल्म दे रहे हैं। ऐसा ही उनके साथ पद्मावत में हुआ और न जाने ऐसा ही उनके साथ कितनी और फिल्मों में हुआ जब उन्हें काम पर बुलाकर वापस लौटा दिया गया। दोस्तों बात करते हैं अगली फिल्म की जिसका नाम है हाफ गर्लफ्रेंड। देखिए इतनी ज़्यादा बड़ी सक्सेसफुल मूवी नहीं थी हाफ गर्लफ्रेंड, लेकिन थी ये सुशांत सिंह राजपूत की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से बताया था कि वो एक मूवी करने वाले हैं हाफ गर्लफ्रेंड, और बाद में कुछ दिनों में उन्होंने ये अपनी पोस्ट डिलीट कर दी थी क्योंकि ये फिल्म चली गई थी अर्जुन कपूर के हाथों में। देखिए नेपोटिज्म वाले लोग हैं, ये ना जाने क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। भाई तुम्हें काम अच्छा आता है करो, दूसरी मूवीज करो, लेकिन किसी की और की मेहनत को ऐसे पानी पानी मत करो। दोस्तों इसके बाद अगली फिल्म आती है रो, रोमियो अकबर वोल्टर। अब इस फिल्म को किया था जॉन अब्राहम ने, काफ़ी अच्छा काम किया था जॉन अब्राहम ने, फिल्म काफ़ी अच्छी हिट भी हुई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं ये फिल्म पहले सुशांत सिंह राजपूत कर रहे थे। उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, मूवी को साइन किया, लेकिन बाद में अचानक से उनको पता चलता है कि ये मूवी कोई और कर रहे हैं और वो थे जॉन अब्राहम। अब देखिए जॉन के बारे में नहीं कह सकते कि नेपोटिज्म के सितारे हैं, इन्होंने किसी को घूस खिलाई होगी, ये भी अपने दम पर आगे आए हैं। लेकिन यार अचानक ये सब कुछ सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही क्यों हो रहा है? क्यों किसी सितारे ने ये नहीं कहा कि नहीं यार जब इस मूवी को सुशांत ने साइन कर दिया है तो मैं क्यों करूँगा? देखिए और आज इस वक्त हर कोई क्या कह रहा है, वी मिस यू सुशांत, हमें आपके काम की कदर है। अब जब काम की कदर थी तो भाई उस वक्त तुम कहाँ थे जब सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की थी? तब सबके सब चुप थे क्योंकि वहाँ पर नाम लिया जा रहा था करण जौहर का, वहाँ पर नाम लिया जा रहा था आदित्य पंचोली का, वहाँ पर नाम लिया जा रहा था सलमान खान का, तो किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। अब लोगों को पता है कि हाँ अब उनकी भी मूवीज आने वाली हैं, तो सब सिंपति लेने के लिए आ गए हैं जनता के सामने कि हम भी सुशांत की जंग में तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों ये वो मूवीज़ हैं जहाँ से सुशांत को बिल्कुल साफ साफ मना करके निकाला गया, और ये तो वो हैं जो रिकॉर्ड में है, और न जाने ऐसी कितनी मूवीज हैं बिल्कुल रिकॉर्ड में भी नहीं। एक ऐसी मूवी थी जो बायोपिक बनने वाली थी, सुशांत सिंह राजपूत काम करने वाले थे, लेकिन बाद में मेकर्स का कहना था कि वो मूवी अक्षय कुमार कर रहे हैं। सुशांत को पता भी नहीं चला कि कब उनकी वो मूवी अक्षय कुमार के पास चली गई। दोस्तों अब क्या सही है क्या गलत, आई डोंट नो, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो और मुझे कमेंट में करके बताएं कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, क्यों इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले।
अगर आपको लगता है कि वीडियो सही है और सुशांत को जस्टिस मिलना चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द सितारों की दुनिया में फिर से ले जाने के लिए, तब तक आप सभी को अलविदा।